हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मिस्टीरियस प्लैनेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको यमुना किसकी बहन है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देवता का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा हमेशा सूर्य देव के तप से परेशान रहती थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि सूर्य देव के तप को कैसे कम किया जाए। समय बीतने के साथ संज्ञा के गर्भ से यमराज, यमुना और वैश्यत ने जन्म लिया, लेकिन संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तप से परेशान थी। संज्ञा ने सूर्यदेव के तप को कम करने के लिए तपस्या करने का फैसला लिया, लेकिन बच्चों को छोड़कर जाना संभव नहीं था। इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। सूर्यदेव को भनक भी न लगे और काम भी हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपने तप से छाया नाम की संवरना को पैदा किया। सूर्य देव और अपने बच्चों की जिम्मेदारी संवरना को देकर वो अपने पिता के घर चली गईं। जब संज्ञा ने अपनी परेशानी अपने पिता को बताई तो वो बहुत गुस्सा हुए और संज्ञा का डांट कर वापस भेज दिया। लेकिन अपने पिता के घर वापस न आकर वह जंगल में चली गई। जंगल में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर लिया और तपस्या करने लगी। इन सब बातों का सूर्यदेव को आभास भी नहीं हुआ। सूर्यदेव के साथ रहने वाली सुवर्णा का छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तप से उसे कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ समय बाद सुवर्णा और सूर्यदेव के मिलन से शनिदेव, मनु और भद्रा नाम की 3 संतानों ने जन्म लिया। वहीं शनिदेव के बारे में एक अन्य कथा भी है जिसमें बताया गया है कि शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावक में कश्यप के यज्ञ से हुआ था।